हेलो दोस्तों, तो आपने भी सुना होगा एकलव्य स्कूल भर्ती के बारे में। तो अब इसके बाद लाखों ही प्रश्न आपके मन में आए होंगे कि ये एकलव्य स्कूल की जो भर्ती है, यानी जो ये EMRS की जो वैकेंसी आई है वो क्या है, किस स्कूल की है, सरकारी स्कूल है या अर्ध सरकारी स्कूल है या कोई प्राइवेट स्कूल है या क्या चीज़ है, ये एकलव्य स्कूल क्या है, किस चीज़ की ये भर्ती आई है। तो चलिए, आज का वीडियो आप सभी के लिए है जो भी इस एकलव्य स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी और क्या क्या खास बातें हैं, आज हम ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। एकलव्य स्कूल, जिन्हें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1997-98 में की गई थी। ये स्कूल खास तौर पर शेड्यूल ट्राइब छात्रों यानी कि ST के लिए बनाए गए थे। आपने अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों पढ़े हैं, तो ये जो बनाया गया था EMRS स्कूल, ये स्कूल बनाए गए थे अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए, ताकि उनको बेहतर अवसर जो है दिया जा सके। ये स्कूल केवल एजुकेशन पर नहीं बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी फोकस करते हैं। ये स्कूल राज्य सरकारों के अंडर में आते हैं, जिन्हें इनकी स्थापना के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंड दिया जाता है। अब अगला जो हमारा प्रश्न आता है वो ये है कि किस क्लास के छात्र जो है यहाँ पढ़ सकते हैं, यानी कि इस स्कूल में किस क्लास तक की शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ एकलव्य स्कूल की जो क्षमता है वो 480 स्टूडेंट्स की होती है, और यहाँ क्लास 6 से लेके 8 तक की छात्र जो है पढ़ाई कर सकते हैं। यानी स्कूल की जो कक्षाएं हैं वो 6 से 8 तक है, अब बढ़ा दी गई है, अब 10वीं तक की जो है कक्षाएं यहाँ दी जाती है। और इन स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए तय किया गया था कि साल 2022 ख़त्म होने तक हर वो ब्लॉक जिसमें 50% ST पॉपुलेशन है, यानी कि जिस भी एरिया में 50% से अधिक ST की संख्या है और जहां कम से कम 20% ट्राइबल आबादी रहती है, वहां EMRS यानी कि एकलव्य स्कूल जो है खोला जाएगा। अब यदि बात करें तो इन जो SC की जो 50% की बात की है, अब इन एरिया में ST की जो प्रतिशत है वो 90% हो चुकी है, इससे अधिक ही होगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब अगला जो यहाँ प्रश्न आता है कि ऐसे स्कूलों की यानी कि EMRS स्कूलों की संख्या कितनी है। तो ये स्कूल जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं, और इनकी आधिकारिक जो वेबसाइट है उसके मुताबिक कुल 689 एकलव्य स्कूल सेंशन किए गए हैं। इनमें से 401 स्कूल फंक्शनल है, और टोटल इसमें स्टूडेंट्स की बात करें तो 113,275 स्टूडेंट्स जो है इसमें इनरोल है। इनमें से 56,106 मेल और 57,168 फीमेल है, और ये जो डेटा है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर है, और इसकी संख्या में बदलाव जो है समय समय पर संभव है। अब अगर बात करें कि इस स्कूल की आखिर विशेषता क्या है, इसका महत्व क्या है, तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पढ़ाई तो होती ही है, पढ़ाई के साथ साथ ही स्पोर्ट्स, लोकल आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देने वाले एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है। और अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए या कुछ और जानकारी चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट tribal.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर रिमोट एरिया के छात्र जो है पढ़ते हैं। ST के अलावा इन स्कूलों का लाभ PVGT कैटेगरी के लोग भी करते हैं। दोस्तों, ये थी एकलव्य स्कूल के बारे में संपूर्ण जानकारी कि एकलव्य स्कूल आखिर है क्या, यहाँ किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं और ये किसके अंडर आता है। तो आप सभी को आशा करती हूँ ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और करीब 4,000 से अधिक पोस्ट जो है इस स्कूल के लिए निकली है।
तो आप सभी ज़रूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा। पीजीटी की पोस्ट के लिए, इसके साथ ही प्रिंसिपल, असिस्टेंट आदि पोस्ट के लिए जो है अच्छी खासी वैकेंसी निकली है, ज़रूर अप्लाई करिएगा। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।